आई एम सीरज खंडलवाल एंड आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज IPL आ रहा है, बहुत एक्साइटेड होंगे ना? भाई बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आने वाली है। इस बार क्या टीम्स आ रही है यार, सब टीम्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत कॉम्पिटिशन होगा, नए नए मैचेस होंगे, बहुत ही मज़ा आएगा, है ना? है कि नहीं? तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना मज़ा आएगा। रोज़ 2-3 घंटे ख़राब कर देंगे, बढ़िया। आप भी ख़राब करना, मैं भी ख़राब करूँगा, दोनों ख़राब करेंगे, क्या बोलते हो? देखो भाई, IPL है, बहुत अच्छा होता है, सब कुछ सही है, बट आपके एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। ये वीडियो IPL लवर्स के लिए, जो IPL और क्रिकेट को बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि मैं मैच तो देखता ही हूँ, मैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशंस भी देखता हूँ, एंड जो बाद में वो जो एक्स्ट्रा इनिंग्स आता है ना, जिसमें वो इंटरव्यूज़ आते हैं, प्रेजेंटेशन जो होती है, वो भी सब देखता हूँ। मैं इतना ज़्यादा पागल हूँ क्रिकेट के पीछे। तो आई कैन अंडरस्टैंड, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मेनली बॉयज़ रहते हैं, लड़कियों में कुछ थोड़ा कम इंटरेस्ट रहता है क्रिकेट में, कुछ कुछ को रहता है नो डाउट, बट मोस्टली लड़कियों को नहीं रहता इंटरेस्ट, बट लड़के तो पागल होते हैं क्रिकेट के लिए, मुझे पता है। एंड उनके लिए वीडियो है कि भाई 10 अप्रैल से 9 अप्रैल चालू हो रहा है शायद, और 30th में फ़ाइनल है उसका, तो एनीवे तुम फाइनल तो देख नहीं पाओगे, और फाइनल क्या, तुम आखिरी के 20 मैच तो फिर वैसे नहीं देख पाओगे, क्योंकि पेपर इतने पास जाएंगे तब तुमको बिल्कुल कुछ बचेगा ही नहीं। तो अभी से रोज़ ख़राब क्यों करना टाइम अपना? रोज़ आप अगर ऐसा सोचोगे कि मैं रोज़ सिर्फ स्कोर देख लूँगा, तो भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। क्या होता है, अपन जैसे स्कोर देखते हैं ना कि अच्छा इसके इतने रन हो गए, ठीक है ठीक है, इतना 10 ओवर हुए हैं अभी, 50 रन है इनके, अब देखते कितना होगा। अब होता क्या है कि IPL में इतने टर्न अराउंड्स होते हैं कि नेक्स्ट 10 ओवर में ना कभी कभी स्कोर होता है 150 हो जाता है, मतलब फर्स्ट 10 ओवर में 50 है, नेक्स्ट 10 ओवर में 150 या फिर 170 तक चले जाएगा। तो फिर हम, और उसमें एक हाथ बहुत स्टार परफॉर्मर रहता है कोई, तो हम लोग को बहुत इंटरेस्ट जाग जाता है कि यार कैसे हुआ होगा, देखता हूँ क्या हुआ, स्कोर क्या हुआ देखता हूँ। तो ऐसे ऐसे ना रोज़ आधे से 1 घंटा आपका ख़राब हो सकता है, एंड रोज़ का 1 घंटा अगले 30 दिन भी आप अगर मैच देखते हो, 10 अप्रैल तक, 10 मई तक तो देखोगे ही अगर आप देख रहे हो, तो 30 दिन के 30 घंटे, 30 घंटे मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन की पढ़ाई, 2 दिन की पढ़ाई में आप पास और फेल का डिफरेंस हो सकता है, ध्यान रखना है। 2 दिन की पढ़ाई में 10-15 मार्क का, 10 दिन का तो 10 मार्क का डिफरेंस तो आ ही सकता है 2 दिन की पढ़ाई में, अगर 2 दिन अच्छे से पढ़ोगे आप, 30 घंटे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 10 मार्क का डिफरेंस डेफिनेटली आ सकता है। और अगर आपके 190 आ रहे होंगे तो वो 10 मार्क बहुत मैटर करते हैं आपके लिए, ये भूलना मत। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, स्कोर मत देखो, ना मैच देखो, ना कुछ देखो, IPL को छोड़ ही दो, बिल्कुल छोड़ दो, मतलब अपने अटेम्प्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है IPL, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत दिमाग अपना वहीं जाता है यार, फिर डिस्ट्रैक्शन। एक तो क्या होता है, हम इतने फोकस्ड रहते हैं ना पढ़ाई में, पढ़ते रहते हैं, उसके बीच में छोटा सा भी कुछ मिलता है ना तो वो इंटरेस्टिंग लगता है बहुत। वैसे IPL बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आप YouTube में कोई भी वीडियो देखो उठा के, कोई भी एकदम फालतू से फालतू वीडियो देखोगे ना, वो भी एग्जाम टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आप अपना लेक्चर देखना चालू करो, फिर उसके नीचे कोई रिकमेंडेशन, दूसरा अच्छा वीडियो दिख गया, वो देख लिया, ऐसे करते करते फिर उसके और नीचे रिकमेंडेशन जाते जाते बहुत टाइम पास हो जाता है, पता भी नहीं चलता, और इतनी फालतू से फालतू चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है एग्जाम टाइम पे, सब कुछ अच्छा लगने लगता है पता नहीं क्यों। तो और जबकि आप एग्ज़ाम के बाद वो खोलोगे ना सेम चीज़ यूट्यूब पे या कुछ भी, तो आपको एकदम बोर लगेगा। बट एग्ज़ाम टाइम में आप लोग क्या होता है, अपने इतने पढ़ाई में होते हैं कि अपने को हर छोटी चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। तो इस चीज़ को मत अपने ऊपर हावी होने दो, पढ़ाई पे ध्यान दो पूरा। मेरा अटेम्प्ट था May 19 में, उस टाइम अप्रैल मई में वो थे IPL में, मेरी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस है, ठीक है, तो उसको सपोर्ट कर रहा था मैं। तो IPL में मुंबई उस टाइम फाइनल पहुंची थी, ट्रस्ट मी, मैंने ना पूरी सीरीज़ में एक स्कोर देखा, ना कुछ देखा, ना फाइनल मैच भी देखा। फाइनल मैच में आखिरी ओवर बस मेरे दोस्त लोग, रूममेट्स बहुत चिल्ला रहे थे पीछे से, मतलब फ्लैटमेट्स बाहर वाले रूम पे बहुत चिल्ला रहे थे, तो मैं जाके देखा तो लास्ट ओवर बचा था, लास्ट ओवर चल रहा था, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो गया था, इसलिए मैंने वो एक ओवर देख लिया था बस आखिरी, बाकी मैंने कुछ भी IPL देखा नहीं, IPL 19 का कुछ भी नहीं देखा। तो जबकि मुझे बहुत पसंद है, तो वो डेडिकेशन चाहिए आपको, अगर कुछ पाना है ना तो छोटी छोटी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, ये चीज़ें सेक्रीफाइस करने के बाद ही आपको अचीवमेंट्स होंगे जो आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि इसको आप अगर देखोगे रोज़ तो भी नहीं हो सकता, हो सकता है, पॉसिबल है, बट क्यों रिस्क लेना यार, और क्यों अपना माइंड डाइवर्ट करना, अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन और कोई डालना ही क्यों है, सिर्फ पढ़ाई की इन्फॉर्मेशन डालो ना। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीव करना है ना, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पढ़ाई के डालो, न्यूज़ मत देखो,
यूट्यूब पे दूसरी चीज़ें मत देखो, सिर्फ जो भी बात कर रहे हो, जो भी आप देख रहे हो सिर्फ पढ़ाई का देखो, दूसरी इन्फॉर्मेशन दिमाग में डालो ही मत, ठीक है? तो पढ़ो अच्छे से। मैंने तो मेरे फ्लैटमेट्स को बोल के रखा था, क्या होता था कि उन लोग मैच देखते थे बहुत सारे, उनके एग्जाम्स नहीं थे उस टाइम पे, तो वो मैच देखते थे, तो उनको बोला था कि मेरे को कुछ भी मत बताना, ना स्कोर बताना, ना किसी ने बहुत अच्छा खेला तो मत बताना, क्योंकि सबको इंटरेस्ट होता है, ये सब देखते थे। तो मैं बोला बिल्कुल भी मत बताना मुझे कि क्या स्कोर है, क्या चल रहा है, कुछ बहुत अच्छा किसी ने खेला मत बताओ, नहीं। कोई बताता था ना तो मैं रोकता, नहीं नहीं मत बताओ, मत बताओ, नहीं 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 देखना है। तो ऐसी डेडिकेशन चाहिए आप में भी, छोड़ दो आईपीएल वाईपीएल, अपन नाचेंगे खूब पास होके, उसमें जो मज़ा आएगा ना वही आईपीएल वाईपीएल में नहीं है, फिर खुद ही खेलने जाना क्रिकेट ना, और क्या। ठीक है, चलो, छोटा सा मैसेज वीडियो था, छोटा सा मैसेज था, आई होप इसके बाद थोड़ा सा आपको थोड़ी सी अकल आई होगी, थोड़ा सा आपने सोचा होगा कि नहीं भाई मैं आईपीएल नहीं देखूंगा इस बार, तो जितना अवॉइड हो सकता है उतना अवॉइड करो, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट। पसंद आया वीडियो तो जो अपने दोस्त हैं जो आईपीएल देखते हैं, जिनको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, उनके साथ शेयर कीजिए, एंड अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।